स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। सो इस लेक्चर को आप दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं जी। फर्स्ट के आपके हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सेकेंडली, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दोनों टर्म्स, रोल्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को हम पैरेलल इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज अगर मैं डिस्कस करूँ जी रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, इट मीन्स इनडायरेक्टली मैं क्या चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, या डायरेक्टली आप कह लें मैं डिस्कस कर रही हूँ रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट। क्योंकि आपकी फार्मेसी क्या रोल प्ले कर रही है, वही रोल प्ले कर रही है जो आपका फार्मासिस्ट विद इन फार्मेसी परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। सो अब हॉस्पिटल फार्मेसी में आपने बुक्स उठाई, बुक्स में आपको अक्सर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जी आपका जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, ही इज़ एक्टिंग एज अ लिंक। अच्छा, किस किस्म का लिंक है जी? ये आपका जो फार्मासिस्ट है एज अ लिंक काम कर रहा है बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन। ये एक लिंक है जिसको जी फिजिशियन के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन आई है और उस फार्मासिस्ट ने इसको फिल करना है और बाद में आपके पेशेंट को प्रोवाइड कर देनी है। सो आपके फार्मासिस्ट का, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो एक मेजर रोल है, दैट इज़ द केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, इन पेशेंट्स की केयर करना। बच्चों, ये जो टॉपिक है हम पढ़े हैं हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी, सो उसमें जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करें, दैट इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया ना कि सिर्फ इस बुक में, डिफरेंट बुक्स में आप उठाएंगे लिखा होगा फार्मासिस्ट एक लिंक के एज अ लिंक काम करता है। लिंक किसके दरमियान है? डेफिनेटली डॉक्टर या फिजिशियन और पेशेंट के दरमियान है। सो अल्टीमेट पर्पस जो आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का बनता है, दैट इज केयर ऑफ इन पेशेंट या केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। नो डाउट हम लोग आउट पेशेंट की भी एक केयर इसमें आ जाती है। भी पेशेंट आपके पास आया, आपने प्रिस्क्रिप्शन फिल की, उसके अंदर एरर्स देखे हैं, फिर उसको काउंसिल किया कि आपने मेडिकेशन बेसिकली लेनी कैसे है। सो अगर आप डिस्कस करें रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मेसी, दोनों सेम हैं, बिकॉज हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आपका फार्मासिस्ट ही है जो एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है। सो दोनों रोल्स को हम एज अ पैरेलल यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी या रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आंसर दोनों का सेम होगा। सो स्टार्टिंग में बुक में क्या मेंशन है जी कि आपका जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है पेशेंट्स के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। पेशेंट को काउंसिल कर रहा है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन एरर्स चेक कर रहा है, आपके हॉस्पिटल के लिए इस तरह जी आपकी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी उसकी इन्वेंट्री देख रहा है, प्रोक्योरमेंट देख रहा है, चेक कर रहा है जी भी कोई मेडिकेशन वेस्ट तो नहीं हो रही। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका रोल है, पेशेंट केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके फार्मासिस्ट का, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल आता है आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। सो मेजर रोल अगर हम डिस्कस करें पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो मेजर रोल आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का है काउंसिल करना, अपने पेशेंट्स को एजुकेट करना, पेशेंट्स को जे के अबाउट द ड्रग यूज, कि उसने एक्चुअली ड्रग इस्तेमाल कैसे करनी है। सेकेंडली जी आपके पास दूसरा क्या है, आपके पास हॉस्पिटल में आपकी फार्मेसी है, बेसिकली कंपाउंडिंग फार्मेसी है जी। वो फार्मेसी है जो प्रेपरेशंस भी कर रही है, बल्क में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पेरेंट्रल सॉल्यूशंस भी बना रही है। तो डेफिनेटली ये आपके हॉस्पिटल के लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है जी? हॉस्पिटल को किसी और फार्मेसी से या किसी और से कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ रहा कंपाउंडिंग के लिए, एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस के लिए। विद इन हॉस्पिटल आपकी फार्मेसी है जो कंपाउंडिंग कर रही है। सो अल्टीमेटली क्या होगा इससे, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर द हॉस्पिटल। पेशेंट को भी फायदा है, आपके हॉस्पिटल को भी फायदा है इससे। मेजर रोल्स तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली बहुत से रोल्स हैं आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी के या उसके अंदर बैठे फार्मासिस्ट के। आज के लेक्चर में जो दो मेजर रोल्स हम हॉस्पिटल फार्मेसी के डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज परचेसिंग and the second one is inventory control. So purchasing के बारे में पहले भी हम लोग discuss कर चुके हैं जी। purchasing की जब मैं बात करूँ, it means I'm talking about procurement. अब जी आपके पास purchasing में आपकी hospital pharmacy है, उस pharmacy में आपके पास pharmacist है, pharmacist ने check कर लिया अच्छा फलां ड्रग की shortage है, अब मैंने purchase करनी। अब आपका pharmacist यहाँ पर क्या करेगा, priority basis पे जी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर फार्मेसी है, फार्मेसी में फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ने जी अब ड्रग
अपने परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू, परचेज डिपार्टमेंट जो आपके हॉस्पिटल के अंदर है, उसको उससे रिक्वेस्ट फॉर्म लिया, वहां पे फिलिंग की कि मुझे पर्टिकुलर ये ड्रग्स चाहिए या मेडिसिन चाहिए या ये अलाइड सब्सटेंसेस चाहिए, तो जी रिक्वेस्ट हॉस्पिटल के परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू अब आपके पास जाएगी, आपके मेडिकल स्टोर डेपो के पास। अच्छा, अब मेडिकल स्टोर डेपो क्या चीज है? आपने बुक खोली, बुक के जी अंदर मेडिकल स्टोर डेपो के आगे वर्ड मेंशन है, लाइन मेंशन है, जिसमें ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एमएसडी या मेडिकल स्टोर डेपो है क्या चीज। सो अकॉर्डिंग टू ऑथर, दिस इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंसर्न फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। जी ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा हाउस है जिसका काम क्या है, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना। सो इस टर्म को, दैट इज मेडिकल स्टोर डेपो को, हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं ये है क्या चीज। जी डेपो, आपने वर्ड डेपो सुना, डेपो का मतलब क्या है आपके जहन में सुनते हैं? अच्छा, कोई स्टोरेज हाउस है, कोई वेयर हाउस है। सो अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एमएसडी को? गवर्नमेंट एमएसडी बेसिकली इज अ सेंट्रल वेयर हाउस, एक वेयर हाउस है, एक स्टोरेज हाउस है, जहाँ पे बल्क में आपके पास आपके मेडिसिंस या इक्विपमेंट्स पड़े हैं। अब ये एमएसडी किसके काम आएगा? प्रोविंशियल लेवल पे एमएसडी है, इसका काम क्या है? आपके प्रोविंस के हॉस्पिटल्स को मेडिसिंस या अलाइड सब्सटेंसेस प्रोवाइड करना। किस किस्म के, अब इसके कैटेगरी की ड्रग्स इसके अंदर आ जाती हैं, 5 कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। आपने गूगल किया, आपने लिखा एमएसडी मेडिकल स्टोर डेपो, आपको डेफिनेशन मिल गई, दिस इज द वेयर हाउस फॉर द बल्क परचेज ऑफ द मेडिसिन। परचेज वहां से कौन करेगा? डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे परचेज की? अच्छा, है आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो भी पे करेगा एमएसडी को, क्योंकि डेफिनेटली अल्टीमेटली सारा सिस्टम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के पास जाना है जी। चाहे गवर्नमेंट का ही एमएसडी है, गवर्नमेंट का ही ये स्टोरेज हाउस है, गवर्नमेंट का ही डेपो है, लेकिन हमने एक पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगर किसी हॉस्पिटल ने भी परचेज करनी है तो डेफिनेटली दैट विल पे टू एमएसटी। अच्छा जी, क्योंकि हर चीज का एक बजट है, हॉस्पिटल का एक बजट है। सो अब एमएसटी के पास किस कैटेगरी के ड्रग्स हैं? फर्स्ट वन इज IRMNCH, दैट इज आईस में क्या, इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की ड्रग्स इसके अंदर आ गई। सेकेंडली एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशंस वगैरह इसके अंदर आ गई। देन यू हैव सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इससे रिलेटेड सारी मेडिकेशन आ गई। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की मेडिकेशन आ गई। देन आपको अगर कहीं से किसी किस्म की, किसी और कंट्री से, किसी इदारे से, ऑर्गेनाइजेशन से किसी किस्म की कोई एड मिलती है, तो वो एड भी कहाँ पर सेव होगी, कहाँ पर स्टोर होगी? डेफिनेटली इस गवर्नमेंट के इदारे में, इस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में, दैट इज एमएसटी। सो अगर तो जी आपके इदारे के पास, आपके इस एमएसटी के पास ड्रग अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही। अच्छा, मैन्युफैक्चर कहाँ होती है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या है जी, आपको पता चलेगा जी, आपने गूगल किया, डिफरेंट बुक्स भी खोली, तो उसमें मेंशन है कि आपका ये इदारा, आपकी गवर्नमेंट बेसिकली सिलेक्ट करेगी कोई रिलायबल, कोई अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। अब वहां से खरीदने के लिए जी आपके पास बिड का मेथड है कि जी आपने एड दिया, जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, जिसने आपको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट में दी, आपके गवर्नमेंट ने, आपके प्रोविंस ने वहां से वो खरीद ली। अब सेकंड आपके पास परचेज का एक मेथड आ गया बिड का, सेकंड आपके पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट का, कि आपके जो प्रोविंशियल लेवल पे आप किसी अच्छी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट का एक फायदा ये जो आपके पास फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी किस्म की इन्फ्लेशन आई, महंगाई आई, आपका एक फिक्स्ड आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम पे आपकी मेडिकेशन आपको मिलती रहेगी आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। अब बेनिफिट क्या है आपके ये एमएसटी के भी? डेफिनेटली आपको सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना और टाइमली प्रोवाइड करना, बजाय कि आप ढूंढे कोई वेंडर ढूंढे, आप लोग खुद, आपके पास एक हकूमत का इदारा है जिसको हम एमएसटी कह रहे हैं, आपका रिक्वेस्ट फॉर्म वहां पर गया, एप्लीकेशन वहां पर गई, एमएसटी ने आपको टाइम पर आपकी जो मेडिसिन थी वो प्रोवाइड कर दी। सो अब तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जी व्हाट इज एमएसटी, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ एमएसटी, ओके व्हाट आर द ड्रग्स स्टोर्ड इन एमएसटी। सो आंसर इज के एमएसटी आपके पास एक
सेंट्रल वेयर हाउस है जहाँ से आपके प्रोविंस के हॉस्पिटल्स अपनी मेडिसिन परचेज करते हैं। यहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ और डिफरेंट डिजीजेस की, टीबी प्रोग्राम की और एड में जो आपको मेडिसिन्स मिली हैं वो सारी की सारी स्टोर होंगी। इस एमएसटी का सिग्निफिकेंस क्या जी, एक तो आपको टाइम पर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। अच्छा, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि गुरु मांगत रोड पर आपके पास एक एमएसटी है। कब ओपन हुआ था? दैट वाज इन 2 मई 2016। देन ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक न्यूज़पेपर का एड है कि जी इस किस्म के हम लोगों का जो मेडिकल स्टोर डेपो है, ये वैसे बलूचिस्तान का, लेकिन डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं वो अपनी एड्स देती हैं कि उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसने क्या खरीदना है, पैकेज 1 2 इस करके मेंशन है। कार्डियोलॉजी के प्रोडक्ट्स चाहिए, सर्जरिकल ड्रेसिंग चाहिए, लाइट सब्सटेंसेस चाहिए, उसने जी एड दे दी। डेफिनेटली जहाँ से उसको उसने आएगी अच्छी ऑफर आएगी, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, या गवर्नमेंट ने कुछ सेल करना है तब भी इसी तरह इसी किस्म की एड्स देगी गवर्नमेंट। अब जी मैंने एक बात की कि या तो आपकी गवर्नमेंट खुद पर्टिकुलर मेडिसिन प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है वो आपके एमएसटी में आ जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं बना रही, जो कि डेफिनेटली बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हुकूमत नहीं बना रही, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो प्रोविंस है वो चाहे तो किसी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन कर सकते हैं कि जी हमें इतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या मेडिसिंस चाहिए। अब ये एक कटिंग है जिसके अंदर मेंशन है कि जी पंजाब प्रोविंस ने नोवार्टिस के साथ एमओयू साइन किया किन प्रोडक्ट्स, किन मेडिसिंस के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, डायबिटीज के लिए, रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए और ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिंस के लिए। देन जी अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास जो आपका एमएसटी है, ठीक है जी, वो वेयर हाउस है, तो ऑथर ने जो डेफिनेशन लिखी थी कि गवर्नमेंट ओन मैन्युफैक्चरिंग हाउस है ये, तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस कैसे, अगर आप गौर करें थोड़ा सा सोचें तो डेफिनेटली आपके पास आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, तो अगर वो किसी किस्म को कोई मेडिसिन कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो डेफिनेटली वो भी आपके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको रिसर्च के लिए फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली आपकी हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। सो उस इंस्टीट्यूट के अंदर बनने वाली जो भी प्रोडक्ट है दैट इज अथॉरिटी, दैट इज ऑन्ड बाई योर गवर्नमेंट। अब यहाँ जस्ट समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल है जी, हम लोगों के पास अदारा है, इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद पाकिस्तान, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अच्छा, पिछले दिनों आपने सुना कि जी पाकिस्तान ने कोविड के लिए एक वैक्सीन तैयार की है, दैट इज पाक वैक। अच्छा, हमारे जहन में आना चाहिए ना कि हुकूमत ने कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार की है, तो ये था जी ये पाक वैक। अब हम सर देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हुकूमत कैसे करती है। हम लोगों के पास एक इंस्टीट्यूट था, रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक अदारा था, तालीमी अदारा था, दैट वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। वहाँ स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर्स ने जी COVID-19 की वैक्सीन तैयार की, और उनकी वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि लॉन्च सेरेमनी ऑफ पार्क वेक COVID-19 हेल्ड एट NIH, कि वहां पर उसकी फिर सेरेमनी भी हुई। इसी तरह अगर हम वेटनरी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपके पास यूवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस है, कि वो भी वहां पे भी वैक्सीन तैयार की जाती है, हुकूमत का इंस्टीट्यूशन है, अदारा है। सो दैट इज के उसकी जो प्रोडक्ट है दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं गवर्नमेंट की सुपरविजन में, गवर्नमेंट की फंडिंग में, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ओन्ड बाय योर गवर्नमेंट। सो अब ये फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में देखें यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं जिसमें टाइफॉइड, टेटनस वगैरह की वैक्सीन्स आ जाती हैं। देन यू हैव दी वायरल वैक्सीन्स, तो उसमें रेबीज, मीजल्स, ये आपके पास वैक्सीन्स आ गई हैं। देन जी एंटी सीरा आपके पास अवेलेबल हैं इसी वेबसाइट पे जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसकी, जिसकी प्रोडक्शन कर रही है। अदर प्रोडक्ट्स में इधर आपके पास जनाबे वाला मेंशन है ORS जिसको निमकोल कहते हैं, दैट इज ऑन्ड बाय द इंस्टीट्यूट। और इसी तरह से जो भी आपका इंस्टीट्यूट जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो अब जी हमने डिस्कस कर दिया कि बिडिंग मेथड,
हम यूज करते हैं परचेज के लिए, उन प्रोडक्ट्स की परचेज के लिए दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दी एमएसटी। डेफिनेटली हमें कुछ चाहिए, हम लोगों ने बिडिंग मेथड यूज किया, हम लोगों ने एड्स दी जिस अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सूट करेगा कि वो आपको लोस्ट और रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करे, आप वहां से, आपकी गवर्नमेंट वहां से उसे परचेज कर लेगी। सो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट का क्या है जी, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि आपने फलां ही जगह से, पर्टिकुलर जगह से आपने मेडिसिन या लाइट सब्सटेंसेस खरीदने हैं, उसकी मर्जी है, मैन्युफैक्चरर से खरीदे, होलसेलर से खरीदे या किसी रिटेल फार्मेसी से खरीदे। सो अभी तक हमने डिस्कस किया, अच्छा अगर आपके पास विद इन योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके पास सिचुएशन आ गई कि जी आपके पास ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, यू नीड देम अर्जेंटली, तो डेफिनेटली आपकी वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल फॉर द टाइम बीइंग किसी रिटेल फार्मेसी से या होलसेलर से खरीद सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम क्वांटिटी परचेज करें, कम से कम बजट की। सो अभी तक अगेन यहाँ पर आपके बुक में मेंशन है कि परचेज के दो मेथड हैं, बिड या फिर कॉन्ट्रैक्ट परचेज सिस्टम। अब इसमें ऑथर ने मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, बिकॉज भी बिड में आप पहले न्यूज़पेपर में एड्स हैं, कमेटी बैठे, फिर डिसीजंस लें, टाइम वेस्ट भी है, मनी वेस्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो आप वहां से आपको कंटिन्यूसली टाइमली आपके पास प्रोडक्ट्स या मेडिसिन आ रही हैं। सो अब जी हॉस्पिटल में आपके पास एक परचेस डिपार्टमेंट है जिसको हॉस्पिटल मटेरियल परचेस डिपार्टमेंट कहते हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास एजेंट बैठा है जिसे हम परचेज एजेंट कहते हैं, जिसने परचेजिंग करनी है या इनडायरेक्टली कैसे भी हम परचेजिंग कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा मोस्ट हम लोगों के पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जी आपके फार्मासिस्ट को लगा शॉर्टेज आ गई है, उसने परचेज डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट फॉर्म लिया। अब रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर दिया, परचेज एजेंट को दिया। अब ये परचेज एजेंट की मर्जी है कि भी कौन से वेंडर से, कौन से बेचने वाले से उसको खरीदे, लेकिन एक अथॉरिटी इधर जो आपके फार्मासिस्ट के पास आ रही है दे के भी, वो उसके पास अथॉरिटी है कि क्वालिटी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। उसने क्या करना है जी, अगर उसको नहीं चीज पसंद, उसे लगता है क्वालिटी की नहीं है, तो उसके पास है पावर के उसको रिजेक्ट कर सके। ओके अच्छा एक और सिस्टम जो इधर डिस्कस किया गया है कि जी फार्मासिस्ट के पास नॉलेज है, अपना नॉलेज यूटिलाइज करे, अपनी स्पेसिफिकेशन दे और उसके मुताबिक चीज नहीं आ रही तो डेफिनेटली उसको वो रिजेक्ट कर दे। अच्छा दूसरी जी, अगर आपके पास अर्जेंटली आपको चीज की रिक्वायरमेंट है तो आपका फार्मासिस्ट परचेज तो कर लेगा, लेकिन इस केस में उसको पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट उसे मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू ही करनी है। अब जी इसमें है परचेजिंग में जी डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ये जो कि आपका फार्मासिस्ट प्ले कर रहा है। अब इधर आपके पास एक एडवांटेज क्या है कि आपके पास कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज्ड डिफरेंट सिस्टम्स आ गए हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिसमें लिखा होता है जी इस चीज की शॉर्टेज होगी, ओके मैंने ये मंगवाना है। सो टाइमली आपको पास ये है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं। अब सेकेंड रोल आपके फार्मासिस्ट का है इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है जी, स्टॉक जो आपके पास आपकी फार्मेसी के अंदर मौजूद है। स्टॉक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट को, कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी फार्मेसी के अंदर फिल वक्त पड़ी है। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपके फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि जी जैसे आपके बुक में मेंशन है, दे यूजली टेक पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंट्रीज, भी फ्रिक्वेंटली इन्वेंट्रीज आ रही हैं, खरीद का सामान आ रहा है उसको वो स्टोर करते जाएंगे टाइम टू टाइम, उसकी मर्जी है जी आफ्टर 4 months और एनुअली और आफ्टर 6 month जी वो अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करे कि मैंने जी इतना टोटल, इतने बजट का मैंने सामान खरीदा है और उसके एक एवरेज इन्वेंट्री निकाली। अच्छा एक एवरेज इन्वेंट्री आपके फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने वाले हैं, इस टर्म को भी डिस्कस करेंगे। आपके फार्मासिस्ट ने फिल वक्त जी क्या किया, आपकी इन्वेंट्रीज आई, एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली, उसने टर्न ओवर रेट निकाल लिया। अब इसमें टर्न ओवर क्या है जी, है जी सी एट पर्टिकुलर टाइम, सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल फ्रॉम योर गुड्स। अच्छा ये टर्न ओवर है, टर्न ओवर एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है जी मेरे पास इतना सामान पड़ा है,
ओके, इतनी मालियत का पड़ा है, ये बेसिकली इन्वेंटरी है, इतना सामान पड़ा है। इन्वेंटरी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इन्वेंटरी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इतनी मालियत पड़ी है। नो, टर्नओवर रेट क्या है कि जी मैंने सेल की, मेरे पास 10 मेडिसिन थी, 10 पैरासिटामोल के पत्ते थे, मैंने 10 के 10 सेल कर दिए। उनको सेल करने के बाद मेरे पास जो रकम आई, दैट इज एक्चुअली द टर्न ओवर। ओके, दैट इज द मनी योर बिजनेस रिसीव, आपके बिजनेस ने जो पैसा रिसीव किया आफ्टर दी सेल। अच्छा, ये टर्न ओवर था जी, मैंने सेल कर दी, मैंने किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं निकाला, मैंने तनख्वाही नहीं निकाली, मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला। 10 पैरासिटामोल के पत्ते थे, मैंने 10 के 10 बेच दिए। 10 के 10 बेचने के बाद जो मेरे पास पैसे आए, दैट इज आर टर्न ओवर रेट। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट क्या है जी? प्रॉफिट इसमें ये है कि मैंने जी अब जितने की पैरासीटामोल खरीदी थी वो पैसे अलग किए, क्योंकि मैंने आगे भी मेडिसिन खरीदनी है। मैंने सैलरीज वगैरह बिल की अमाउंट जितनी थी वो निकाली। उसके बाद जो मेरे पास पैसे बचे हैं, उसके बाद जो अर्निंग है बेसिकली, दैट इज माई प्रॉफिट। सो जी, अब आपके फार्मासिस्ट ने क्या करना है? एक्चुअली उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब ये रेशियो क्या है जी? दैट इज फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इट इज अ रेशियो बिटवीन टर्नओवर एंड इन्वेंट्री, रेशियो बिटवीन टर्नओवर एंड इन्वेंट्री। ओके, अब जी क्या है टर्नओवर? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, पहले मैंने डिस्कस कर लिया टर्नओवर क्या चीज है। मेरे पास 10 पैरासिटामोल के पत्ते थे, मैंने बेचे, बेचने के बाद जो पैसे आए, दैट इज कॉस्ट ऑफ द गुड सेल्ड सोल्ड। सो वो कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जितनी मेरी एवरेज इन्वेंट्री है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, अच्छा इतने इतने मालियत का सामान मेरे पास पड़ा है, उसकी मैंने एवरेज निकाल ली। सो ये है आपके पास इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अब बच्चों, ये जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो है, अब ये इंडिकेट करेगी कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट में नहीं जा रहे। अगर तो आपके पास ये इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कम आ रही है, इट मीन्स के इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कम है, इट मीन्स आपकी सेल्स कम है, इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हैं। सो अगर आपकी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ज्यादा है, इट मीन्स आपकी सेल्स ज्यादा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपके पास कम आएगी कैसे? ये तब कम आएगी या तो आपकी सेल नहीं हो रही, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है जी, कि आपने ओवर स्टॉकिंग की है। ओवर स्टॉकिंग अब कैसे आ सकती है जी? मेरे पास एक सेंट्रल फार्मेसी है, सेंट्रल फार्मेसी ने जी अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है सैटेलाइट फार्मेसी को भी, फ्लोर स्टॉकिंग के लिए भी। सो इस वजह से जी अब मेरी फार्मेसी को स्टॉक ज्यादा करना पड़ रहा है, सेल हो सकता है कम हो रही है, जिसके वजह से मेरे पास जो टर्न ओवर रेशियो या टर्न ओवर रेट है वो कम आ रहा है। सो पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है जी, टर्न ओवर रेशियो कम कब आती है? तो जब आपकी सेल नहीं हो रही, या फिर आपने ओवर स्टॉकिंग क्या की है। ओवर स्टॉकिंग की एक रीजन ये है जी, आपके पास मल्टीपल जगह पे मल्टीपल स्टॉक लोकेशन है। मैंने अपनी सैटेलाइट फार्मेसिस को भी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वहां पर स्टोर है। मैंने जी वार्ड के अंदर भी, नर्सिंग स्टेशन पे भी, या फ्लोर स्टॉकिंग करनी है, तब भी डेफिनेटली ओवर स्टॉकिंग मैंने कर दी। सो सैटेलाइट फार्मेसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, आपके पास मिनी फार्मेसी है, जिसे कंट्रोल क्या कौन कर रहा है? जिसे कंट्रोल बेसिकली कर रही है आपकी सेंट्रल फार्मेसी। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं जी, क्या रोल्स हैं आपके पास सेंट्रल फार्मेसी के? सेंट्रल फार्मेसी का जो आपके पास फर्स्ट रोल है वो कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। किसका? मिनी फार्मेसीज का, सैटेलाइट फार्मेसीज का। देन उसे